सेज आनंदम, आपको जन्माष्टमी की दिल से शुभकामनाएं। हमारे कृष्णा का जन्म है तो हमें कृष्णा के टीचिंग्स को याद रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कृष्णा ने हमें जो सिखाया था वो हम क्यों फॉलो नहीं करें। क्या है टीचिंग्स? मैं आपको 5 टीचिंग्स बताता हूँ। अपने कर्माज हमारे हाथ में, उस पे कर्म पे काम करते जाओ। प्रारब्ध जो होंगे वो अपना रोल करेंगे, उसकी चिंता ना करो। कर्म हमारे हाथ में करते जाओ, माइंडफुलनेस के साथ काम करना है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, कृष्ण को मालूम पड़ा कि भीष्म लड़ने वाले हैं, सेनापति बनेंगे, और उन्होंने बोल दिया कि मैं आज 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। तो बड़ी चिंता हुई, क्या करें। द्रौपदी आई, उन्होंने द्रौपदी से बोला, माइंडफुलनेस से काम करें, द्रौपदी तुम जाके भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेके आओ। बोले क्यों, मैं तो लेती। बोले नहीं, आज आपकी बहुत जरूरत है, रात को जाओ जब वो बहुत बिजी हो उस टाइम लो। तो द्रौपदी गई, प्रणाम पितामह। पितामह ने कहा तू तो बोलो दूधो नहाओ, मतलब आपको वरदान मिल गया कि आप का पति जीवित रहेगा। अब भीष्म तो भीष्म पितामह तो जो बोलते वो होता है, तो माइंडफुलनेस से काम करना पड़ेगा। गुस्सा मत करो किसी हालत में। द्रौपदी के जरा से हंसने से दुर्योधन गुस्सा करा और ख़त्म हो गया। और कोई काम छोटा नहीं होता, जैसे कृष्ण सारथी बने थे वैसे कोई काम छोटा नहीं होता। इन 5 टीचिंग पर ध्यान दो, कर्मास पे वर्क करते रहो, माइंडफुलनेस के साथ करो, एंगर पे कंट्रोल रखो और छोटा काम की चिंता मत करो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जन्माष्टमी।